गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तोरण आठ विषय सामाजिक विज्ञान। तो विद्यार्थी आप तोरण आठ में पाठ नंबर नौ के अपनी अर्थव्यवस्था पाठ शुरू करियो हतो, तो तेमा आपणे पहलो एक लेक्चर जोयो। त्यारबाद आजे आपणे बीजो सवाल जोवानो छे के भाई भारतनी विविध आर्थिक प्रवृत्तिओनुं वर्गीकरण तेनी मालिकीनी दृष्टिए समजावो अथवा तो वर्णवो। तो के भाई मालिकीनी दृष्टिए तेना चार वर्गीकरण थाय छे। सरकारनी मालिकीना उद्योगो, खानगी मालिकीना उद्योगों, संयुक्त क्षेत्रना उद्योगों अने सहकारी क्षेत्रना उद्योगों। तो भाई मालिकीनी दृष्टिए आपणे आ रीतना वर्गीकरण करी शकीए छीए। प्रथम तो के सरकारनी, बीजू तो के खानगी मालिकीनी, त्रीजू संयुक्त क्षेत्रनी अने चौथू तो के सहकारी क्षेत्र। तेमा आपणे प्रथम जोईए के सरकारनी मालिकीना उद्योगों कोने कहेवाय, के जाहेर क्षेत्रना उद्योगों कोने कहेवाय। अर्थ जोईए, जे उद्योगों सरकारनी मालिकीना अने सरकारना संचालन हेठळ होय तेने जाहेर क्षेत्रना उद्योगों कहेवाय छे। के भाई जेनी मालिकी सरकारनी ज होय अने तेनुं संचालन पण सरकार ज करती होय तेने जाहेर क्षेत्रना उद्योगों कहेवाय। आपणने उदाहरण आपेला छे के भाई भिलाई स्टील प्लांट, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑइल एंड नेचरल गैस कमीशन। तो के भाई आ भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भिलाई स्टेट एंड स्टील एंड प्लांट, ऑइल एंड नेचरल गैस, तो के आ सरकारना संचालन हेठळ तेमज सरकारनी मालिकीना जाहेर क्षेत्रना उद्योगों छे। त्यारबाद बीजो पॉइंट, तो के भाई खानगी मालिकीना अर्थ जोईए, जे औद्योगिक एकमोनी मालिकी अने संचालन खानगी लोकोनी होय तेवी एकमोने खानगी मालिकीना के खानगी क्षेत्रना उद्योगों कहेवाय। के जेनुं संचालन खानगी व्यक्ति करती होय, जेनो मालिकी पण खानगी व्यक्तिनी होय तेने खानगी क्षेत्रना उद्योगों कहेवाय। टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, टोरंट, केंडिला, एलम्बिक वगैरे तेना उदाहरण आपेला छे। त्यारबाद त्रीजू संयुक्त क्षेत्रना उद्योगों, जाहेर क्षेत्रना उद्योगोनी केटलीक मर्यादाओ हती। के भाई जाहेर क्षेत्र जे छे तेनी घणी मर्यादाओ हती। केवी मर्यादा? तो के मुख्यत्वे बिनकार्यक्षम, एटले के कार्य करवामां सक्षम जता नहीं, कामचोरी करता, एटले के भाई आळसू बेसी रहता, काम करता नहीं, आ एनी मर्यादा बताई छे। आने नियंत्रित करवा माटे, एटले के बिनकार्यक्षमताने अने कामचोरीने नियंत्रित करवा, नियंत्रण करवा माटे तथा मूड़ी एकत्र एटले के मनी पैसा मेळवा माटे खानगी क्षेत्रना निष्णांतोनी मदद लेवाना हेतुथी जाहेर क्षेत्रमांथी खानगी क्षेत्रनी संयुक्त मालिकीना उद्योगोने पण स्थान आव्युं। के भाई संयुक्त मालिकीना होय तो एमां जाहेर प्लस खानगी बन्नेनुं वर्चस्व होय, बन्नेनी मालिकी जोवा मळे, बन्नेनुं संचालन जोवा मळे, परंतु आ उद्योगमां मुख्यत्वे तो सरकारनुं ज वर्चस्व होय, सरकारनुं ज संचालन होय। के माहिती मेळवता खानगी क्षेत्रना लोकोनी माहिती, निष्णांतोनी माहिती लेता, परंतु तेनुं संचालन कोण करतुं? तो के सरकार ज। सहकारी क्षेत्रना उद्योगों, देशमां घणी व्यक्तिओ आर्थिक दृष्टिए सक्षम नथी होती, आर्थिक एटले के नाणाकीय सक्षम नथी होता नाणाकीय रीते, તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ઉદ્યોગો શરૂ કરી શકે તે સ્થિતિમાં પણ નથી હોતા, કે પોતાની પાસે એટલું મણિ ભંડોળ નથી હોતું, મૂડીરોકાણ નથી હોતું, તેમજ વ્યવસ્થિત રીતના જગ્યા નથી હોતી, યંત્ર સામગ્રી ના હોઈ શકે તે માટે, તો કે આવા લોકો ભેગા મળીને, કે ભાઈ ચાર કે પાંચ છ વ્યક્તિઓ ભેગા મળીને મંડળી કે સંઘ બનાવીને, જૂથ બનાવીને ઉત્પાદન કે વેચાણની પ્રક્રિયા હાથ ધરે, કે ભાઈ પાંચ છ વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને ભાગે પડતા પૈસા નીકાળી અને જે ધંધાની શરૂઆત કરે, વ્યવસાયની શરૂઆત કરે, ઉત્પાદન વેચાણની પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરે તેને સહકારી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો કહેવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સહકારની શબ્દમાં જ તે આપણને આનો અર્થ ખબર પડી જાય કે સહકાર એટલે કે સાથે મળીને સાથ આપવો। અર્થ એનો જોઈએ તો કે એકબીજાના સહકારથી શરૂ થયેલા આવા ઉદ્યોગો કે એકમોને સહકારી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો કહેવાય, કે ભાઈ બે કે ત્રણ વ્યક્તિઓ સાથે મળીને ઉદ્યોગ કે એકમની શરૂઆત કરતા હોય। એના ઉદાહરણ છે કે દૂધની ડેરી, ખાંડના કારખાના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સવાલ નંબર બે જોયો કે ભાઈ વર્ગીકરણ, ઉદ્યોગોનું વર્ગીકરણ માલિકીની દ્રષ્ટિએ જોયું, તો કે ચાર રીતે તેનું વર્ગીકરણ થાય છે। ત્યારબાદ તમને બુક્સમાં સંગઠિત ક્ષેત્ર અને અસંગઠિત ક્ષેત્રની માહિતી આપેલી છે કાંતા અને કમલની, બરોબર? તો એ તમે વાંચશો એટલે તમને ખબર પડી જશે, તો એ તમારે જાતે વાંચવાનું રહેશે।